आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वार्षिक परीक्षा 2022 चल रही है। कक्षा 7 के अंग्रेजी विषय का पेपर है जिसको हम हल करेंगे। समय 2.5 घंटे हैं, पूर्णांक 70 है, 30 अंकों का पोर्टफोलियो और मौखिक आपका होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, हल करना शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1, चूज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड कैच। अब ये कैच शब्द है, इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं, कैच। तो देखो ये बीच में जो टी है उसका कोई उच्चारण नहीं हुआ, तो आपका उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। उत्तर क्या हो गया आपका, बी हो गया। आपका उत्तर क्या हो गया, बी। दूसरा देखो, चूज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड रोंग। रोंग आप पढ़ रहे हैं, रोंग। क्या पढ़ रहे हैं आप, रोंग। तो देखो आर का हो रहा है, एन का हो रहा है, जी, लेकिन डब्लू का कोई कुछ नहीं हो रहा, तो डब्लू कहाँ पर है, ए में। आप देख सकते हैं दोनों के अंदर, ऊपर वाले में बी है और नीचे वाले में ए है। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द फ्रेंड। फ्रेंड का क्लर्क, करेक्ट प्लूरल चुनना है तो फ्रेंड के साथ आपको एस लगाना है, एफ आर आई ई एन डी एस, और ये किस में लगा हुआ है, केवल ए में, बाकी आगे के गलत है। तो आपका उत्तर क्या हो गया, तीसरे का ए हो गया। चौथा देखो, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टोरी। हालांकि ये स्टोरी वो शब्द गलत है, यहाँ पर स्टोरी शब्द ऐसे होना चाहिए, एस टी ओ आर ओ आई। अब क्या करते हैं, स्टोरी को हम प्लूरल बनाते हैं, तो अंतिम जो वाई है उससे पहले व्यंजन हो, शोर हो तो सीधा ऐसे लगा देते हैं, व्यंजन हो तो क्या करते हैं, वाई को उठाकर आई एस करते हैं, तो वाई को हम हटा देते हैं और यहाँ पर क्या लगा देंगे, आई एस ए, आई ई एस, क्या कर देंगे, आई ई एस, स्टोरीज। अब आप गौर कीजिए, ये स्टोरीज किस में है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है। किस में है, सी में। पांच नंबर प्रश्न देखो, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इज डिफरेंट इन साउंड फ्रॉम अदर। अंडरलाइन लेटर देखो, चारों में ए को अंडरलाइन कर रखा है, इसमें डिफरेंट साउंड कौन सा, देखो फास्ट आ की ध्वनि आ रही है, पा, फादर, इसमें भी आ की ध्वनि आ रही है, पार्टी, इसमें भी आ की ध्वनि आ रही है, थैंक, इसमें ए की ध्वनि आ रही है, डी में क्या आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है, थैंक, ए की ध्वनि आ रही है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, विच इज ऑपोजिट जेंडर ऑफ ब्रदर। भाई का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा, बहन होगा, बहन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिस्टर, तो आपका उत्तर क्या हो गया, ए हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, प्रश्न नंबर 7, विच इज ऑपोजिट जेंडर ऑफ फादर। फादर का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा, लिंग क्या होगा, फादर का, फादर है पिता और पिता को होगा माता, माता को अंग्रेजी में कहते हैं मदर, तो आपका उत्तर हो गया सी। प्रश्न नंबर 8, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज इंजन ड्राइवर, तो ही इज एन इंजन ड्राइवर, क्या आ जाएगा, एन, यानी ई है वो स्वर है, व्यंजन होता है तो ए आता है। तो आगे देखो, चूज द करेक्ट आर्टिकल, वंस देयर वाज ए वुड कटर, तो यहाँ ए और यहाँ क्या है, ए एन, तो ए में आ जाएगा ए, ए वुड कटर। प्रश्न नंबर 10, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, कौन सी मीनिंग सही है, तो यहाँ पर ये पौंड तालाब की मीनिंग सही है, तो इसमें ए है, पी ओ एन डी ए सही है, 10वें में कौन सा सही है, ए सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। 11वें प्रश्न में क्या है, मीनिंग दे रखी है, तो हैप्पी की मीनिंग क्या होती है, एच ए डबल पी वाई, तो एच दे रखा है और पी डबल वाई दे रखी, तो बच गई ए, क्या बच गई ए, तो ए आप यहाँ पर लिख दीजिए। 12 देखो, ऑफिस, ऑफिस का मीनिंग क्या होता है, ऑफिस का मीनिंग होता है ओ डबल एफ आई सी ई, ऑफिस होता है। अब ऑफिस में ओ डबल एफ दे रखा है और सी ई दे रखा है, तो बच क्या गया, आई बच गया, तो आप यहाँ लिख दो आई, ठीक है। अब 13वें में क्या है, सोना, गोल्ड है, तो गोल्ड का मीनिंग होता है जी ओ एल डी, तो जी दे रखा है और एल डी दे रखा है, तो बच क्या गया, ओ बच गया, तो यहाँ पर आप क्या लिख दो, ओ लिख दो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं,
संडे की बात करते हैं तो संडे का मीनिंग है 14 नंबर में SUNDAY। अब देखो एस है, उसके बाद UNDAY भी लिखा हुआ है, तो बच क्या गया आपके पास यू, तो आप यहाँ पर यू लिख दीजिए। प्रश्न नंबर 15 की तरफ बात करते हैं, प्रश्न नंबर 15 में क्या है, बटर है। प्रश्न नंबर 15 में बटर है, बटर का मीनिंग होगा BUTTER, तो बी दे रखा है और TEER दे रखा है, तो अब बच क्या गया यू बच गया, तो यहाँ पर भी आप यू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ, प्रश्न नंबर 16 से 20 क्या है, ओपोजिट यानी विलोम शब्द बताने ब्रेक्ट वालों की। अब ब्रेक्ट में ओपोजिट क्या दे रखा है, न्यू, दिस इज न्यू बुक इज नॉट माइन, तो न्यू का ओपोजिट क्या होगा, ओल्ड होगा, क्या होगा, ओल्ड यानी पुराना, तो आप यहाँ पर ओल्ड लिख दो। 17 आई माई कंट्री हैट, हैट मन होता है घरना करना, इसका विलोम शब्द होता है प्यार करना, और प्यार करना को अंग्रेजी में कहते हैं लव, तो आई लव माई कंट्री। रन हम देखो, हाउ अगली माई हॉर्स आर, मेरे घोड़े कितने भद्दे हैं, तो अगली होता भद्दा, और भद्दा का क्या होगा, सुंदर, सुंदर को क्या कहेंगे, ब्यूटीफुल, तो 18 में ब्यूटीफुल आ जाएगा। ब्यूटीफुल का मीनिंग क्या है, BEAUTIFUL हो गया, ठीक है। 19 में देखो, माई कप इज एम्प्टी ऑफ हॉट मिल्क, एम्प्टी माने होता खाली, और भरे हुए को क्या कहेंगे, फुल, FUL। इज लेफ्ट लेग इज ब्रोकन, उसकी बाई टांग टूटी हुई, तो हमें तो लेफ्ट का क्या लिखना है, विलोम शब्द लिखना, तो क्या हो जाएगा, राइट, RIGHT राइट। इज राइट लेग इज ब्रोकन, उसकी दाहिनी टांग टूटी हुई है, तो ये आपके विलोम शब्द वाले हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 से लेकर 25 तक, यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। देयर इज हॉट मिल्क इन द टम्बलर या फिर इंटो द टम्बलर, तो पहले से वो किसी वस्तु के अंदर कोई वस्तु हो तो आप इन का प्रयोग करते हैं, कोई व्यक्ति या वस्तु हो तो इन का करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। द एंटीना इज द रूफ, छत के ऊपर, एंटीना छत के ऊपर है या अंदर है, तो छत के अंदर नहीं होता, छत के ऊपर होता है, तो ऑन का प्रयोग करोगे, किसका करोगे आप, ऑन का। प्रश्न नंबर 23, व्हेन कूलिंग वाटर टर्न, जब ठंड चल रही थी या ठंड हवा चल रही थी तो वाटर टर्न्स, पानी बदल गया, कूलिंग ये ठंडा होना सिस्टम, ये फ्रिज का सिस्टम है, तो वाटर टर्न्स, पानी बदल गया आइस, आइस में यहाँ पर गति कर रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटो, कूलिंग वाटर टर्न्स इंटो आइस। सी स्टैंडिंग हुआ, खड़ा हुआ था, द स्टूडेंट्स अमंग और बिटवीन, वह विद्यार्थियों के बीच में खड़ी हुई थी, इसी माने वह है, विद्यार्थियों के बीच में खड़ी हुई थी। देखो अमंग माने भी बीच में होता है और बिटवीन माने भी बीच में होता है, लेकिन याद रखना अमंग का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए किया जाता है और बिटवीन का सिर्फ दो के लिए किया जाता है। देखो अमंग का दो से अधिक के लिए किया जाता है, जैसे मान लो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है तो आप तो यहाँ अमंग का प्रयोग कर दो, वहीं ये कि सी स्टैंडिंग बिटवीन हर हजबेंड एंड हर सन, यानी वह अपने पुत्र और पति के बीच में खड़ी है, तो दो ही व्यक्ति है, तो आप क्या लगाओगे बिटवीन, अन्यथा आप एमंग का प्रयोग करोगे, एमंग का प्रयोग करोगे। 25 में देखो क्या है, द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग, वाइजाज उड़ रहा था, द माउंटेन्स पहाड़ों के ऊपर से, कोई चीज़ ऊपर रखी हुई है तो ऑन आता है, लेकिन ऊपर से हो रहा हो, काफ़ी ऊपर गति होता है, तो आप ओवर का प्रयोग करोगे, किसका प्रयोग करोगे आप, ओवर का प्रयोग करोगे, द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग द माउंटेन्स, ओवर द माउंटेन्स। तो अभी आप ध्यान रखोगे प्रीपोजिशन का, पहले में इन, दूसरे में ऑन, फिर इंटो, फिर एमंग और फिर ओवर, गलती नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मैच करना है और कैसा, ऑपोजिट जेंडर के आधार पर आपको मैच करना है, किंग राजा, तो रानी को क्या कहेंगे, क्वीन, तो ये रही क्वीन, सन पुत्र, तो पुत्री को क्या कहेंगे, डॉटर, ये रही मैन वूमन, अंकल आंट, और हॉर्स, मेर, हॉर्स माने घोड़ा और मेर माने घोड़ी, तो ये आपके मिलान हो गए।
इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 31 से तक 35 तक में इस दी वर्ड विद सिनिम, सिनिम होता है पर्यायवाची, तो ब्यूटीफुल माने होता है सुंदर, और इधर देखो न्यू सेड हुज ग्लेड लवली सुंदर है, तो ब्यूटीफुल को किस में मिला दिया आपने, लवली में। हैप्पी एच ए डबल पी आई हैप्पी, हैप्पी मैंने खुश होना, तो ये हैप्पी शब्द है आप उसको मिला देते हैं ग्लेड के अंदर, जी ए एल ए डी ग्लेड। उसके बाद बिग, बिग माने बड़ा या विशाल का ही, तो बिग किस में मिल जाएगा हुज में, हुज माने विशाल होता है। मॉडर्न आधुनिक या नया, तो ये किस में मिल जाएगा न्यू के अंदर मिल जाएगा। अनहैप्पी नाराज नाखुश दुखी हो जाएगा सैड उदास। तो इस प्रकार से आप इन सिनोनिम होता है पर्यायवाची, तो ये आप आराम से कर सकते हैं, देख के कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे देखो प्रश्न नंबर 36 में क्या देखा है, राइट ए सिंगल वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह के लिए एक शब्द लिखना है। तो ए पीरियड ऑफ 365 डेज, 365 दिनों की अवधि क्या कहलाती है, वर्ष, और वर्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ईयर, तो वाई दे रखा है आप लिख दो ई ए आर। देखो द पर्सन व्यक्ति डेट जो लिविंग नेक्स्ट आगे रहता है टू और नियर अनदर या किसी के पास रहता है, तो उसको क्या कहते हैं पड़ोसी, और पड़ोसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं नेबर कहते हैं। नेबर का मीनिंग क्या होगा, अन तो है ई आई जी एच ओ यू आर नेबर हो जाएगा। 38 नंबर देखो द प्लेस स्थान वहर ए ट्रेन स्टॉप, एक स्थान जहाँ पर ट्रेन रुकती है, ट्रेन कहाँ रुकती है स्टेशन पर, तो ऐसे दे रखा है एस टी ए टी आई ओ एन स्टेशन हो गया। फादर्स ब्रदर पिताजी का भाई क्या होता है अंकल चाचा, तो यू दे रखा है एन सी एल ई अंकल, तो पहले में ईयर दूसरे में नेबर तीसरे में स्टेशन और चौथे में अंकल शब्द आ गया, तो आप सावधानी पूर्वक देख सकते हैं इनके शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग है। फिर देखो आप 40वां रीअरेंज दोबारा व्यवस्थित करो दिस फॉलोइंग लेटर्स, इन अक्षरों को टू में के करेक्ट स्पेल्ड वर्ड यानी सही मीनिंग वाला शब्द बना के, तो देखो के एन आई जी कोई मीनिंग नहीं होता, इसका सही क्या बन जाएगा, पहले के को ले लो फिर आई को ले लो फिर एन को ले लो और फिर जी को ले लो, तो क्या बन गया किंग बन गया, पहले कुछ नहीं था। ये देखो एच आर एस ओ हर्सो ऐसा कोई शब्द नहीं है, तो पहले एच को ले लो फिर ओ को ले लो फिर आर को ले लो फिर एस ई हॉर्स, तो ये आपका हो जाएगा हॉर्स, ठीक है। उसके बाद देखो 42 नंबर 42 में सबसे पहले एस को ले लो फिर सी को ले लो फिर एच को ले लो फिर डब्लू स्कूल बन जाएगा, शुक्ल बना हुआ है आपको स्कूल बन जाएगा। फिर ये देखो एच वाई पी ए हैप्पी कुछ नहीं होता, ये हैप्पी वर्ड है, क्या है हैप्पी है, तो इसको लिखो पहले एच फिर ए फिर डबल पी फिर क्या हो जाएगा ओ वाई हैप्पी बन जाएगा 43वें का। तो 40वें का किंग, 41 का हॉर्स, 42 का स्कूल और 43 का क्या बन गया हैप्पी। अब देखो 44 में क्या कह रखा है, रीअरेंज गिवन वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, तो सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट क्या आपके पास सी, फिर वर्ब क्या है फ्लाइंग सी फ्लाइंग, अच्छा एक मिनट सी के बाद आएगी साइकिल या वॉच, फिर आप लिखोगे फ्लाइंग सी वाज फ्लाइंग, पैंतालीस नंबर कैन सी क्रिकेट प्ले, तो इसमें आप क्या करते हो सबसे पहले प्रश्न वाचक वाक्य तो लगाओगे कैन फिर सी फिर वर्ब आ जाएगा प्ले फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्रिकेट, और तो ठीक है लेकिन प्ले क्रिकेट बाद और प्रश्न वाचक निशान, ये आपका रीअरेंज हो गया 44 45 नंबर प्रश्न। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 की, फ्रेम सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ व्हाट, व्हाट से आपको सिंपल प्रश्न बनाने हैं, तो सिंपल और सिंपल प्रश्न वोट तो देना ही है, और जो भी सही क्रिया वाक्य में वो सही क्रिया लिख दो इज, और उसके बाद इसमें क्या दिस है तो वो दिस लगा दो और प्रश्नवाचक निशान, ऐसे ही नीचे वाला कर दो वोट का प्रयोग तो करना ही करना, इसमें सही क्रिया भी क्या है इज ही है, यहाँ दिस नहीं है देट है, तो यहाँ पर क्या कर दो देट, ऊपर वाला गया वोट इज दिस, ये नीचे वाला वोट इज देट, और प्रश्नवाचक निशान लगा दिया।
तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। 47 नंबर क्या है, राइट नेम्स ऑफ फोर एनिमल दैट ग्रेज ग्रास। ग्रेज माने तो चरना और ग्रास घास, उन चार जानवरों के नाम लिखो जो घास को चरते हैं या खाते हैं। तो बहुत सारे पशु है जैसे आपके दिमाग में बकरी, तो GOAT जो घास खाती है, दूसरा भेड़ जो घास खाती है, तीसरा ऊंट जो घास खाता है, चौथा हिरण जो घास खाता है। इसके अलावा भी बहुत है जैसे काऊ है, गाय है, ऑक्स, बैल, बफेलो, भैंस। तो आपको तो केवल चार ही लिखने हैं, जो भी चार आसान लिखिए आप लिख देना। उसके बाद प्रश्न नंबर 48 देखो क्या है। प्रश्न नंबर 48 पैसेज का है और पैसेज में क्या लिखा हुआ है ये भी आपको पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आई प्रोड्यूस्ड 1 टीका फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड एंड गेव 4 ड्रॉप ऑफ इट टू ए ब्रेव 20 ईयर्स ओल्ड ओंपालूंपा वॉलंटियर टू सी व्हाट हैपेंड। व्हाट डिड हैपन चार्ली आस्क्ड। इट वाज फैंटास्टिक राइड बाय वोंका। व्हाट डिड मिस्टर वोंका प्रोड्यूस। तो देखो आपको उत्तर कैसे लिखना है, पहले तो ये लिखना है मिस्टर वोंका, फिर लिखना प्रोड्यूस। लिखने के बाद आगे ये लाइन लिखनी है पूरी की पूरी, 1 कप ऑयली ब्लैक लिक्विड तक। यहाँ पर इतना लिखने के बाद ये लिखोगे तो ही आपका पहला प्रश्न सही होगा, अन्यथा पहला प्रश्न सही नहीं होगा। अब बात करते दूसरे प्रश्न की, हाउ ओल्ड वाज उम्पा लुम्पा कितने वर्ष का था। तो जो उम्पा लुम्पा है वो आपका कितने वर्ष का था, लिखो आप उम्पा लुम्पा वाज, आगे लिख दो 20 ईयर्स ओल्ड। तो ये आपका सही हो जाएगा, उम्पा लुम्पा वाज 20 ईयर्स ओल्ड। व्हाट वाज द कलर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का कलर कैसा था। तो देखो ऊपर लिखा रखा है ना पहली लाइन में, आई प्रोड्यूस्ड 1 कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड, तो आप ब्लैक लिख दो यहाँ पर। तो आप पहले कैसे लिखोगे, द कलर पहले लिखोगे, द कलर ऑफ द लिक्विड, ये हो गया, फिर से क्रिया हो जाएगी वाज और फिर आपका उत्तर हो जाएगा ब्लैक। ऐसे लिखोगे तो ये आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा नंबर नहीं मिलेगा। द कलर ऑफ द लिक्विड वाज ब्लैक। अब देखो चौथे में क्या दे रखा है, फैंटास्टिक का हिंदी मीनिंग बताना है। तो इसका अर्थ होता है जबरदस्त। क्या अर्थ होता है, जबरदस्त होता है। आगे देखो प्रश्न नंबर 49 में क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 49 में पैराग्राफ दे रखा है माय बेस्ट फ्रेंड का, मेरे अच्छे मित्र का, 5 शब्द, क्लास फेलो, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, काइंड, प्लेयर, इनको कंटिन्यू आप यहां पर लिख दीजिए। तो सबसे पहले लिख दीजिए क्लास फेलो, क्या लिखना है आपको, क्लास फेलो। उसके बाद लिख दो ऑनेस्ट, फिर लिख दो इंटेलिजेंट, फिर लिख दो काइंड और फिर लिख दो प्लेयर। अब क्या बन गया इसका, मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, मोहन मेरा अच्छा मित्र है, ही इज माई क्लास फेलो, वह मेरा क्लास फेलो है, सहपाठी है, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही बुद्धिमान है, ही इज काइंड टू अदर, अन्यों के प्रति वो दयालु है, ही इज आल्सो गुड प्लेयर, वह अच्छा मित्र, आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उसे बहुत अधिक पसंद करता हूँ। तो ये आपका पैराग्राफ तैयार हो गया माई बेस्ट फ्रेंड का, किसका हो गया, माई बेस्ट फ्रेंड का पैराग्राफ तैयार हो गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 50। और प्रश्न नंबर 50 क्या है, यू आर सुरेश, आप सुरेश है, यू आर इला बीमार है, सो यू कैन नॉट गो टू स्कूल, आप विद्यालय नहीं जा सकते, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट लीव फॉर 3 डेज, 3 दिनों की छुट्टी के लिए आप एप्लीकेशन लिखिए हेडमास्टर को। देखो इस प्रकार से लिख दीजिएगा आप, सबसे पहले देखो आपने एड्रेस लिख दिया व्यास कॉलोनी बीकानेर, 28 अप्रैल 2022 या 29 अप्रैल 2022। उसके बाद आप लिखते हैं द हेडमास्टर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, कर दिया सब्जेक्ट टू ग्रांट लीव फॉर 3 कर दियो, 2 की जगह 3 डेज। आगे क्या लिखोगे, आसान सी भाषा में लिखा है, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th इन योर स्कूल, मैं आपकी विद्यालय कक्षा 7 का छात्र हूँ, आई एम इल फ्रॉम यस्टरडे, मैं कल से बीमार हूँ, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकता, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर
2 डेज़, केवल 2 मिनट की बात है, केवल 2 मिनट के अंदर आपका एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। तो काइंडली ग्रांट मिल यू फॉर 2 डेज़, कृपया 2 दिनों की छुट्टी जारी कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद, योर ओबीडेंटली आपका आज्ञाकारी, ऊपर सुरेश नाम है तो यहाँ सुरेश लिख दो, क्लास 7th। तो इस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका 50वां प्रश्न यहाँ कंप्लीट हुआ आपका पेपर। तो ये आपका पेपर था प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये पेपर कैसा लगा? यही पेपर ऑल राजस्थान में मोस्टली आ रहा है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से भी जुड़ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास जैसे भी पेपर आएगा हम पेपर को अपलोड कर देंगे, आप यूं ही तैयार रहना, यूं ही बने रहना। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।